एग्जाम्पल 10। ओके अब कंपेयरिंग क्वांटिटी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल तो हमने देख लिया था 7, 8 और 9, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में पहला है कि कन्वर्ट द गिवन डेसिमल, डेसिमल जो दिया है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो देखो मैं आपको फर्स्ट एग्जाम्पल करके बताता हूँ, बाकी दो की ओवरऑल बात कर देते हैं। तो देखो फर्स्ट आपको दिया है 0.75। क्या दिया है? फर्स्ट 0.75। तो आप याद रखो कि 0.75 कब आएगा, तो ये जो भी पॉइंट दिया है ना, ये पहले पॉइंट की प्रोसेस करनी पड़ेगी, तो पॉइंट पहले रिमूव करना पड़ेगा। तो आप सोचो यहाँ पे यूनिट डिजिट के आगे, और ये कितने तक जाता है? 100 तक जाता है ना, यहाँ पे 0, 10 और 100। ओके तो 100 तक जाता है, तो ये 75 में अगर ये पॉइंट को आपको रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? 75 डिवाइडेड बाय 100। तो 0.75 को हम 75 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख ही सकते हैं ना। तो ये 75 डिवाइडेड बाय 100, ये आपकी आ गया, ये आपका क्या आ गए, ये क्या आ गया आपका, ये भी जो आपको स्टेटमेंट जो दिया है ना वही है, बट सिर्फ हमने पॉइंट रिमूव कर दिया, तो क्या आया? 75 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप सोचो यहाँ पे कि यहाँ पे 75 डिवाइडेड बाय 100, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, फिर से परसेंटेज में ले जाना है तो क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई करके पीछे परसेंटेज लगा दो। क्या करो? 100 से मल्टीप्लाई करके पीछे परसेंटेज लगा दो, तो क्या होगा, ये 100 से 100 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 75%। ओके फिर से सेकंड है 0.09, सेकंड है 0.09। पहले क्या करो, पॉइंट रिमूव करो, क्या करो पहले, पॉइंट रिमूव, तो पॉइंट रिमूव मीन्स 9 डिवाइडेड बाय 100, ये भी हमारा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में जो दिया वही लिखा है, नया कुछ भी नहीं लिखा, तो 9 डिवाइडेड बाय 100, तो 9 डिवाइडेड बाय 100 आएगा। फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करो और पीछे परसेंटेज ऐड कर दो, तो 100 100 कैंसल, तो आपका आंसर आ गया 9%। ओके फिर थर्ड नंबर वाला, तो थर्ड नंबर में क्या दिया है, 0.2, थर्ड में क्या दिया है, 0.2, तो क्या करो पहले ये पॉइंट रिमूव करो, तो 2 डिवाइडेड बाय 100, ये हमने पॉइंट रिमूव किया। पॉइंट रिमूव करने के बाद मैंने क्या बोला, परसेंटेज करना है, तो क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई करो और पीछे परसेंटेज लगा दो, तो 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 2 10s are 20, तो 20% आंसर कितना आया हमारा, 20%। तो फर्स्ट का आंसर 75%, सेकंड का 9% और थर्ड का आपका आंसर आ गया 20%। तो ऐसे आप करके आप किसी भी डेसिमल का परसेंटेज निकाल सकते हो। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 11, वॉट परसेंट ऑफ एडजॉइंट फिगर इज शेडेड। तो आपको इतना बताना है कि जो नीचे ये जो फिगर दिए ना, ये फिगर में से कितना पार्ट शेडेड है और कितना पार्ट शेडेड नहीं है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये तीन फिगर टोटल हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये अलग अलग तीन फिगर हो गई। अभी देखो टोटल तीन में से ये एक तो पूरा शेड किया हुआ है और दूसरा आधा किया हुआ है, कितना किया हुआ है, आधा। तो तीन में से 1.5 में किया है, क्या 1 2 3, वन पूरा और सेकंड आधा किया हुआ है। तो हम मान के चले कि जो हमने फिगर जो शेडेड की है, जो हमने फिगर शेड की है वो टोटल का कितना है, हाफ है, टोटल का कितना है, हाफ। और किसी भी चीज का अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो क्या करोगे, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा दोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा दिया, तो 2 से 5 0, तो टोटल फिगर का कितना परसेंटेज आ गया, 50%, कितना आ गया, 50। अगर मान लो आप ये ऊपर का भी ब्लैंक है, ये ऊपर का भी ब्लैंक है, नीचे का भी ब्लैंक है, सिर्फ ये पार्ट ही शेडेड किया है तो कितना होगा, ये अकेला पार्ट शेडेड किया है तो 1, टोटल में से ये हाफ हो गया, लेकिन ये फिर कितना हो जाएगा, 1 शेडेड, टोटल पार्ट कितना, 3, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 और 100 से मल्टीप्लाई और पीछे परसेंटेज लगा देंगे, तो 3 से कितना आ जाएगा, 3.3। ओके ये आंसर आ जाएगा। अगर मान लो तीनों शेडेड किया है, तीनों, ये भी शेडेड है, ये भी शेडेड है और ये भी शेडेड है, तो कितना आ जाएगा, कितना शेडेड है, 3 और टोटल भी 3, मल्टीप्लाई 100 और पीछे परसेंटेज लगा दो, 3 से 3 कटेगा,
तो 100% आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100%। ओके, तो अगर तीन में से एक है तो ये आंसर, तीन में से आधा है तो ये आंसर, और तीनों तीन है तो 100%। ओके, ऐसे करके आप परसेंटेज निकाल सकते हो। अब एग्जाम्पल नंबर 12, एक सर्वे किया कितने बच्चों का, 40 चिल्ड्रन का, और उसमें दिखाया कि 25% बच्चे हैं ना उनको फुटबॉल पसंद है। ओके, उनको फुटबॉल पसंद है। तो देखो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, 25% की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये 40 जो चिल्ड्रन है ना वो कितने के, 100% के। कितने के? 100। 40 जो है वो 100% के। तो अगर 100% की वैल्यू आपको 40 दी हुई है तो आपको वैल्यू कितने की फाइंड करनी है, 25% की। तो ये कितनी होगी, तो देखो 25% मल्टीप्लाई 4 अपॉन नीचे 100%। ओके, नीचे कितना आ जाएगा, 100%। ओके, ये कितना है, 40 है, तो 40, तो ये परसेंटेज परसेंटेज कैंसल, 25 से 4, तो 40 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से, अभी देखो 40 को भी आप कैसे लिख सकते हो, 4 × 10 लिख सकते हो, और ये 4 × 1, तो 4 कटेगा, तो आंसर कितना आ गया आपका, 10। तो 10 बच्चे हैं कि जो फुटबॉल प्ले करने का पसंद करेंगे, 10 बच्चे हैं जो फुटबॉल प्ले करने का पसंद करेंगे।